सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेमर्स गुरु। और भाइयों, आज हम कितने दिन वापस हैं, शायद एक हफ्ता हो गया, फिर आ रहे हैं। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, हम दो वीडियोस बनाए थे, दो वीडियोस में मेहनत की है, सब कुछ किए हैं, लेकिन फिर हमको खुद ही अच्छा नहीं लगा, हम खुद ही वो वीडियोस हटा दिए। ये तीसरा वीडियो देखते हैं अभी अपलोड होता है कि नहीं, क्योंकि हम बना तो रहे हैं, लेकिन अब देखो। सो गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं और मैंने अपलोड कर दिया है, तो आज मैं आपको कुछ नया और खास दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे, अरे ये ब्लॉक्स के बीच में लाइंस हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो भाई माइनक्राफ्ट का? तो मैं बता दूं, मैं माइनक्राफ्ट का इस समय महारद्दी महापुराना वर्ल्ड एकदम हूँ उस वर्ल्ड में। और गाइस, इस पुराने वर्ल्ड में होने का एक फ़ायदा है मुझे, और ये फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड में जाने के बाद ये मिल पाया। आप देख सकते हैं वहां दूर इतना बड़ा महल जैसा मकान, वो नहीं है भाई, आप लोग यूट्यूब के पैसे से, भाई एक रुपये नहीं मिला, लेकिन तब भी हम लोग यूट्यूब के पैसे से ये खरीद लिए माइनक्राफ्ट में। और ये खरीदने के बाद, और गाइस बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। मैं रात से स्टार्ट करने का इसलिए सोचा क्योंकि इसकी लाइटिंग की वजह से थोड़ा चमकेगा और अच्छा लगेगा। और गाइस, अगर आपको ये वर्ल्ड चाहिए अपने भी माइनक्राफ्ट में, तो नीचे लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ भाई डाउनलोड करो, 82 MB का है कुछ ऐसे ही, डाउनलोड करो, एकदम खेलो, पागल हो जाओ, फिर माँ बाप से डांट खाओ, मज़ा आएगा। मजाक कर रहे हैं। हाँ, सो गाइस एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, और इसकी स्टार्टिंग हुई है यहाँ से। हाँ तो बढ़िया है, बस मैं कमी इसमें निकालूंगा थोड़ा। सो पहली कमी है, रुकिए मैं पहले अपना दिल लेते आता हूँ, दिल तो कहीं दिख नहीं रहा है, पहले दिल लेते आते हैं अपना। सो गाइस, हमारा दिल आ चुका है हमारे पास, और देख सकते हैं दिल लाते लाते दिन भी हो गया। अब क्या कर सकते हैं, कोशिश तो किया था मैंने बहुत, लेकिन अब क्या करें। हाँ, और गाइस ये सब चीज़ के बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, आपको देख के क्या लग रहा है, क्या चीज़ों का, ये है हमारा पुराने वर्ल्ड का बैड। पुराने वर्जन में ऐसे ही बैठे होते थे, या तो ये पुराना वर्जन है या तो मॉडिफाइड वर्जन है, हमको खुद कन्फर्म नहीं है। और मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ, देखिएगा, ये इन्वेंट्री में गया मैं, ऑल आइटम्स। अब देखिएगा गाइस, प्रिज्मेरियन वॉल का देखिए क्या टेक्सचर्स आप देख सकते हैं इसमें, देखिए कैसे कैसे स्वॉर्ड्स पिकैक्स हैं, और ये तो पता नहीं क्या क्या है, एरोज हैं अलग अलग। इसमें बेड्स देखिए, बेड्स मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रहे अजीब अजीब कोन, देखिए ट्रैफिक कोन, ट्रैफिक कोन क्या है, ब्रोइंग स्टैंड है ट्रैफिक कोन, वाओ। अरे पोके बॉल, फायर चार्ज है पोके बॉल, देख सकते हैं गाइस, मैं इसी की बात कर रहा था, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब वर्जन है। सो छोड़िए, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफिक्स में भी आपको देखने में मिलेगा देखकर, लेकिन अब कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये आ गए हम लोग हमारे घर में, कहाँ से यार, ये कैसा घर बना है भाई, एंट्रेंस कहाँ से है घर का तुम्हारे, एंट्रेंस कहाँ से यार, फ्रॉम वेयर डू यू एंटर हाउस, अच्छा अच्छा आ गए आ गए आ गए। तो गाइस ये रहा इनका रेस्ट एरिया, ये कैंप फायर, वाह भाई मस्त है, देख सकते हैं यही सब आप इनका घर, ऐसा ये घर बनाए हैं लोग अपना, ये सब इतना सारा पिलर मार के, ओहो जॉम्बी के सर लटका रखे हैं सीलिंग पे, बहुत बदला लिए हैं भाई ये लोग अपने जॉम्बी से, एकदम गला काट काट के सबको यहीं लगा दिए। गाइस देख सकते हैं ये काउच है, काउच फिर बीच में ये रहा आपका टेबल, फिर जमीन पे शायद कारपेट है, थोड़ा ग्राफिक्स इशू की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है, सीढ़ी बहुत मस्त है, घास फूस हर जगह लगा है, ये लीव्स लग रहे हैं मुझे, ये लीव्स लगाए गए हैं, बट देख के नहीं लग रहा है कि लीव्स हैं, क्योंकि गैप तो है ही नहीं भाई, एकदम ब्लॉक लग रहा है एकदम। और ये भी थोड़ा लग रहा है रेस्ट एरिया या कुछ होगा, ये रहा ये लोग का पूल टेबल, वाह यार इसके ऊपर पूल खेलते हैं ये लोग, ये पता नहीं क्या है, क्या है ये, क्या ये क्या जगह है, अच्छा ये भी कोई रेस्ट एरिया लग रहा है या स्टीम रूम लग रहा है मुझे, तो स्टीम रूम लग रहा है, चलो हटाओ इसको। और मुझको बेस्ट चीज़ तो ये लग रहा है देखने, कितना अच्छा लग रहा है ना, गैप्स हैं थोड़े थोड़े, आर पार भी देखा जा सकता है अच्छे से, सब कुछ दिख भी रहा है। और अगर हम लोग फिर इस साइड जाएँ तो हमें दिखेगा नज़ारा, अच्छा गंदा जो आप मान लें, लेकिन नज़ारा है। और फिर वापस इधर से आने पर ये रहा है छोटा सा डाइनिंग टेबल टाइप का, ये रहा फ्रिज, और ये अच्छा ही किचन एरिया है, अच्छा अच्छा अच्छा
मेरा किचन एरिया, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं बोर्ड्स क्यों लगे, कुछ टेक्स्ट तो लिखा नहीं है। फ्रिज है, सिंक है, ओवन है, सब कुछ है इधर। आप यहाँ बिरयानी बना के आराम से खा सकते हैं, बिरयानी चाय जो भी। हाँ, और फिर यहाँ पे ये क्या है, ये वॉशरूम है कि क्या है? नहीं, ये किचन वॉशिंग वॉशिंग एरिया लग रहा है मुझे, बर्तनों का, डिश वॉशिंग टाइप का। चलो इधर से हटते हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है दोस्तों, ये क्या वॉशरूम है? हाँ ये वॉशरूम है गाइस, देख सकते हैं इधर, ये बटन भी है, लेकिन अंदर कैसे जाएंगे हम? अरे अंदर कैसे जाएंगे, अरे अंदर कैसे जाते हैं यार? तो गाइस ये लोग अपना, अरे भाई यार नहीं जा सकते क्या अंदर? ओके तो ये पूरा सील्ड है यार ग्लास से, अंदर नहीं जा सकते हैं। ये लोग का टॉयलेट, ये हम क्या करेंगे इससे टॉयलेट का, जिसका हम ढक्कन ना खोल पाए? चलो कोई बात नहीं, मुझको पता नहीं क्यों लग रहा मैं खो गया हूँ। ये लोग का बेड, ये बेड ही है ना यार, नहीं बेड तो नहीं लग रहा मुझको, ये बेड पे कूदते हैं तो कूदने देता। भाई यार कितनी गंदी ग्राफिक्स हैं, इसकी वजह से कुछ समझ नहीं। ये तो पिस्टन है, ओके मुझको पहले लगा था कि ग्लास पिंस ऐसे कैसे रखे, लेकिन ये तो वाटर है, दिस इज वाटर गाइज, देख सकते हैं पानी का आवाज़ भी आ रहा है। अब मुझको ही आ रहा है, हाँ सो गाइस मुझे अभी का पता चला कि ये तो पानी ही है, तो छोड़िए इसको, हटते हैं इधर से, निकलते हैं। और फिर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ी सी फूल पत्ती उगाया गया है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप। वहाँ एक सुअर भाग रहा है, अब सुअर को देख के, अरे वहाँ भी नहीं, यहाँ पे भी है। अरे भाई यहाँ ग्लास लगा है, अच्छा ग्लास, हाँ भाई ग्लास किस साइड आ गए, वाह सुअर मेरे घर में, हम घर के बाहर। एह चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो मेरे घर से, मेरे घर में पैसा पहले रेंट देना होता फिर आना होता मेरे घर में, आगे बढ़ो। हाँ सो गाइस वो सब देखने के बाद चलिए सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। यस गाइस ये रहा सीढ़ी, और सीढ़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, रेलिंग नहीं यार गिर जाएंगे। हाँ और गाइस आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं ऊपर सीढ़ी से, अच्छा एक और फ्लोर है, हाँ इसके इसके ऊपर एक और फ्लोर है, लेकिन चलिए पहले ये वाला फ्लोर अच्छे से देख लेते हैं। बाहर ये थोड़ा बालकनी वाला एरिया है, बारिश हो रही है बाहर, हम लोग हैं एक लग्जरी घर में, हा, हम लोग अमीर हैं। और गाइस ये रहा थोड़ा गार्डन वाला एरिया, देख सकते हैं आप, ये पता नहीं क्या है, हमको भी नहीं पता कुछ भी है, अब ग्राफिक्स वजह से और पता नहीं चल रहा है। ये एरिया है, ये पूल साइड है थोड़ा सा, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मुझको जुकाम हो जाएगा। और ये नहाने के बाद बैठने के लिए, ओके हम गए पानी में, हाँ। और ये नहाने के बाद लेटने के लिए, ये बेड है, ये बेड बेड नहीं है, अच्छा बेड। और ये ऐसे ही डेकोरेशन के लिए, सो मैंने आपको सबका यूज़ बता दिया गाइस, चलते हैं हम लोग। ओके इसके नीचे भी कुछ है यार, ओके से कहाँ की पेंटिंग है यार, ओके ओके सांस अटक रहा है, चलते हैं वापस, अंदर नहीं जा सकते हैं, ग्लास लगा हुआ है। चलो बढ़िया है, मस्त रखे एकदम, तुम तो एकदम मस्त घर है फ्रेंड्स। और चलिए इधर से देखते हैं ये क्या चीज़ है, अच्छा ये पियानो, ओके ये सो ये पियानो कैशी वाला चीज़ बनाया गया है, इधर ऐसे बैठो और फिर बनाओ बजाओ पियानो अपने आप। और ये ऐसे हमको लग रहा है कुछ गार्डन एरिया टाइप का है, सो चलिए अब इतना देखने के बाद, ये मुर्गी है ऊपर, चलो सो गाइज इतना देखने के बाद चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ एक फ्लोर और ऊपर। पियानो बजा लिया हमने, ये रहा काउच और टेबल, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है, चलिए सीढ़ी से ऊपर चलते हैं भाई, इतने बड़े बड़े घर में थोड़ी हम लोग रहेंगे, हम लोग इतना पता चल गया। और ये सब के बाद चलिए ऊपर, अरे यार थोड़ा सा इस मॉड की वजह से गेम लैगी हो गया है भाई, छोटा फ़ोन मेरा बेचारा कितना झूलेगा। और गाइस ये हम लोग का टेरिस है, अरे भाई आसमान तो खुला है, हाँ सो गाइस ये हमारा टेरिस एरिया है, और यहाँ से हम लोग कूद के बाहर भी जा सकते हैं। ये सारे एंडर चेस्ट है, हाँ एंडर चेस्ट हैं ये सब इतने सारे एंडर चेस्ट हैं इधर। ये काउच, ये पानी वाला टेबल, भाई कूदेंगे तो पानी रहेगा जान अंदर को भाई पानी, हाँ। और ये रहा हमारा बेड, जिसके ऊपर हम लोग सो नहीं सकते हैं ना, क्लिक करके ना कुछ करके,
और यहाँ लगे हैं बेफालतू के दो साइन बोर्ड्स जिनके ऊपर लिखा कुछ नहीं है। ये ड्रेसिंग एरिया टाइप का लग रहा है और ये टॉयलेट लग रहा है मुझे। और देखें तो इधर और भी चीज़ें हैं जिनको हमको इग्नोर मारना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और इधर से बढ़ते हैं आगे। सो गाइस बस यही है, घर बाहर से बड़ा बड़ा लग रहा था यार, अंदर से तो छोटा ही लग रहा है हमको। चलो यार तब भी बहुत है यार, इतना इतना ज़्यादा कोई सोच सकता है क्या घर बनाने के लिए? हम तो नहीं सोचते यार, बस चार दीवार होना चाहिए, एक छत होना चाहिए माइनक्राफ्ट में, बस हो गया मेरे लिए घर। इतना थोड़ी हम कभी सोचेंगे और ना इतना सोच पाए आज तक। और गाइस ये हमारा मास्टर बेडरूम और ये रहा हमारा क्रीपर की खोपड़ी। ये आर्ट करने के लिए पता नहीं क्या, ये पेंटिंग, एनविल, नहाओ धो सब इधर है। मास्टर बेडरूम का खुद का बाथरूम, मास्टर बेडरूम का खुद का ये क्या है, हाँ ये वॉशिंग एरिया है भाई, हाथ मुंह धो सब। और ये टेबल, यहाँ बैठ के आओ खाना खाओ, ये सब इंडर चेस्ट। और ये रहा हमारा बेड और ये दो फूल पत्ती। सो यस गाइस मुझे लगता है कि बस ये इतना बड़ा घर है ना। नहीं नहीं यार वो शिट, अभी तो हम लोग मेन लग्जरी एरिया में आए गाइस। शिट ये हमारा बेड बनाया है, इसके ऊपर सो नहीं सकते हैं। ये हमारी कुर्सी, अरे एक सेकेंड हम पानी में कहाँ से, अच्छा यही पानी वाला टेबल, काउच और अंधेरा। अरे यार अंधेरा। यस गाइस आप देख सकते हैं, ओह वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है गाइस। सीलिंग में, सीलिंग के इसके लाइट्स कितने अच्छे लग रहे हैं गाइस, और कितना सुंदर है एरिया आप देख सकते हैं। फ्लोरिंग कितनी अच्छी लग रही है, जरूर खराब ग्राफिक्स है लेकिन तब भी फ्लोरिंग अच्छी लग रही है, तो सोच सकते हैं क्या मस्त बनाया गया है। और वाह क्या कहें, मेरे आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब माई फीलिंग राइट नाउ। काश इतना बड़ा घर होता अपना और नाच रोते। सो गाइज यही रहा हमारा हाउस टूर, हमारा नहीं मतलब मॉडर्न हाउस टूर, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। एक दिल गया मेरा, हाँ सो इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। अरे ये इस एरिया में भी अभी तक नहीं ना आए हैं, वाह ये क्या है, ये लोग का खुद का अंबानी वाला टेम्पल, यहाँ पे आके ये लोग पूछते होंगे भगवान आपको किसी चीज़ की जरूरत है तो बताइएगा हम लोग आपको देंगे। छुट 1 इंच से बचे भाई। सो ये थोड़ा पेंट हाउस टाइप का लग रहा है मुझे। यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए और ये बनाया गया है दो कौड़ी का बेड, जो बेड एकदम नहीं लग रहा है ग्राफिक्स की वजह से। और ये हमारी सीलिंग सुंदर सी, जो अंधेरे की वजह से कुछ खास दिख नहीं रही है। रुके मैं अभी यहाँ दिन कर देता हूँ। इसका इस दिन हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ का सीलिंग क्या मस्त सीलिंग है। यही सब चीज़ें वापस आप देख सकते हैं। ये रहा पहाड़ जहाँ से हमें गिरने का बहुत डर है। ये कौन सी जगह है भाई, बस ये सी खाली जगह है हमको लग रहा है। सो यस गाइस मुझे लगता है कि बस इतना ही था इस घर में, हाँ शायद इतना ही था बस। सो यस गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो और हाउस टूर अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना। ये देखिए ये रहा आपका घर। सो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा कि आपको ये घर और आपको अगर ऐसे मॉड्स देखने हैं तो मेरे पास भाई बंडल पड़ा है पूरा भाई। हम मतलब बस इंस्टॉल करके रखे हैं, बस एक बार इसके अंदर इंपोर्ट करना होगा फिर तो भाई आपको दिखा ही सकते हैं, और 5 मिनट का काम होता है वो। सो गाइस अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए कि हाँ भाई हमको और ऐसे वीडियोस चाहिए। सो आपको और देते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियोस। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, जय हिंद जय भारत और जो भी बोलते हैं सब। हाँ सब्सक्राइब कर लेना भाई प्लीज़, बाय। So can't say no, 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 no.